बम बम भोले 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 कि हम भोलेनाथ से बिछड़ गए होते हैं, आज हम इतने खुश हैं कि आपको ये बता नहीं पाए बता सकते हैं कि हम बहुत ज्यादा खुश हैं। किस प्रकार यात्रा करेंगे, दो साल का कितना मायूसी रही? बहुत ज्यादा मायूसी रही सर, आज थोड़ा सा हमें दिल में खुशी आई है कि हम यात्रा कर पाएंगे। अब यात्रा करने तो जा रहे हैं, क्या भगवान से दुआ करेंगे कि जिस प्रकार की जम्मू कश्मीर के हालत बने हैं, जब कोरोना है, क्या दुआ मांगते हैं? हम ये दुआ मांगेंगे कि हमारा देश जो है कोरोना मुक्त हो जाए और सभी को खुशी प्राप्त हो जाए। मैं पंजाब नेशनल बैंक के अंदर डिप्टी जनरल मैनेजर हूँ। आज 11 अप्रैल से अमरनाथ यात्रा के लिए यात्री रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस शुरू हो गया है। यात्रा 30 जून से प्रारंभ होगी और 11 अगस्त तक रहेगी। जम्मू के अंदर रिहाड़ी के अलावा कटरा, रियासी, अखनूर, कठुआ और सांबा, इन जगहों पे भी रजिस्ट्रेशन हो रहा है। इनके अलावा 316 शाखाओं के अंदर रजिस्ट्रेशन टोटल पैन इंडिया के अंदर हो रहा है। यात्रियों से निवेदन है कि वो समय से पहले ही आके आज से अपनी यात्रा के जो प्लानिंग है वो पहले कर लें, क्योंकि एक डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल्स के थ्रू ही आपको जो है मेडिकल सर्टिफिकेट लेकर आना है और एप्लीकेशन फॉर्म लेकर आना है, 4 फोटो और 120 रुपये लेकर आने हैं। आप इन पंजाब नेशनल बैंक की जो भी डेजिग्नेटेड शाखाएं हैं उनके अंदर आप एक अलग काउंटर खोला गया है जिसके अंदर कि आप इस चीज़ को यात्रा रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस को कर सकते हैं। सर अगर देखा जाए तो जिस तरीके से एज का बताया जा रहा है कि 5 साल से 13 साल से 75 साल तक के सभी व्यसक इसके अंदर कर सकते हैं। एक चीज़ का ध्यान रखना है, तो जो गर्भवती महिलाएं हैं वो 6 हफ्ते से ज़्यादा की अगर गर्भवती हैं तो फिर उनको भी अलाउ नहीं किया जा रहा। सर जैसे देखा गया कि पिछले साल भी पंजीकरण हुआ था लेकिन यात्रा नहीं हो सकी थी, उन श्रद्धालुओं के लिए क्या सुविधा रखी? उन श्रद्धालुओं के लिए ये सुविधा ये रखी गई है कि पिछले साल जिन यात्री श्रद्धालुओं ने 100 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस के लिए दिया था, इस बार केवल उन्हें 20 रुपये मात्र ही देना है। उनका वो 100 रुपये हमारे पास है और एक नॉर्मल यात्री जो कि पहली बार रजिस्ट्रेशन कराने आ रहा है उसको 120 रुपये देने हैं, जो पिछले साल जिसने रजिस्ट्रेशन कराया है उसे केवल मात्र 20 रुपये देने हैं। 200 ग्राम खून और ज़्यादा हो गया सर, हमें इतनी खुशी, हमने रजिस्ट्रेशन दे दिया सर, रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं हमें और बहुत खुशी, हम इस दिन का इंतजार कर रहे थे कि हमारी रजिस्ट्रेशन कब होगी। अब हमें बेचैन रहेगा कि हमारी यात्रा जो 30 जून को छोड़ी हो जल्दी जल्दी हो, हम कब जाएं उधर दर्शन करेंगे सर, और पिछले साल यात्रा नहीं की थी, इस साल यात्रा बहुत है, काफ़ी संगत होगी, काफ़ी पब्लिक होगी और आने जाने में सर कोई प्रॉब्लम नहीं। मुझे 14 साल हो गया सर कंटिन्यू जाते हुए, कोई ऐसी कोई बात नहीं। पहलगाम से भी हम जाते हैं, बालटाल से भी जाते हैं, दोनों रास्ते से नहीं जाते हैं। कई बार तो मैंने यात्रा को 7-8 साल अकेले की है सर, नहीं मारा, इस बार मैं अपने दोस्त को साथ ले रहा हूँ, एक बार मैंने अपनी मिसेज को साथ लिया था, आप बाकी और भी अकेले जाता हूँ, अकेले आता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं, कोई खतरा नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई खाने पीने के लिए सिर्फ इंसान को अपनी मेडिकल फिटिंग होनी चाहिए कि उसे कोई प्रॉब्लम ना आए। अगर देखा जाए पिछले साल भी आपने रजिस्ट्रेशन करवाई थी, उसकी फीस जमा करवाई थी, क्या इस बार आपकी वो फीस उसमें इंक्लूड की गई है? नहीं सर, हमने करवा लेंगे सर, 100 रुपये के पीछे सर क्या कर रहा है, ऊपर वाला जब कर रहा है वो 100 रुपये के, हमने लगाई है साथ में, 20 रुपये बने हमने नहीं, हमने उधर दिखाई नहीं, हमने पूरी फीस 120 रुपये भर दी, हमने रिफंड नहीं लिया, 100 रुपये के पीछे क्या करना है, जहाँ इतने लोग दिया नहीं है, हमने 100 रुपये लेके क्या करना था सर।